हेलो स्टूडेंट्स, आर से एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यानी कि प्राचलिक रूप में फलन का अवकलन ज्ञात करना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते क्या है। तो सबसे पहले अगर हम कोई एक फंक्शन ले, y = f(x), आपके पास कोई फंक्शन है, या फिर f(x) की जगह आप कुछ और ले सकते हो, कोई भी एक फंक्शन जो कि क्या है, साइन एक्स है। अगर इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, तो क्या करते हैं, अवकलज के लिए d/dx दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, y का तो अवकलज क्या बन जाएगा आपका, dy/dx बन जाएगा, और इधर d/dx ऑफ साइन एक्स। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्या होगा आपका, साइन एक्स का डेरिवेटिव वो हो जाएगा d/dx = sin x का cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव का मतलब d/dx दो साइड में हम यहाँ पे ले लें तो क्या होगा, तो अगर इसका दोबारा से यानी कि टेकिंग डेरिवेटिव, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड क्या जाएगा यहाँ पे d/dx ऑफ dy/dx, और यहाँ पे भी d/dx ऑफ cos x। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसको हम सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं, d2y/dx² और यहाँ पे आपको पता है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -sin x। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो आपके पास एक फंक्शन था y = f(x), इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो क्या निकल के आया, ये निकल के आया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके के हम फंक्शंस के 2 times डेरिवेटिव करेंगे, जिनको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मानते हैं। हाँ स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 का, वो है y = x³ + 10x। आपको फाइंड करना है d2y/dx² इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, y = x³ + 10x ये ले लिया है हमने। अब क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में हम डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या होगा, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड या फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो वाई के आगे क्या लग जाएगा, d/dx ऑफ y = यहाँ पे भी d/dx लगेगा, यहाँ पे x³ + 10x। अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx = अब यहाँ पे आपके दो फंक्शन हैं, अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x³ और यहाँ पे प्लस d/dx ऑफ 10x। तो आगे नेक्स्ट इंप्लाइज dy/dx = देखो x³ का जो डेरिवेटिव होगा वो किससे होगा, x^n से, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 10x का जो डेरिवेटिव है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec²x। तो यहाँ पे अभी dy/dx की वैल्यू निकली है आपकी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है, तो अब इसका एक बार और डेरिवेटिव आपको करना होगा, तब जा करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि अगेन टेकिंग डेरिवेटिव, विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, d/dx ऑफ dy/dx = यहाँ पे भी d/dx आपका लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3x² + sec²x। अब आपको पता है हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो देखो ये तो क्या हो जाएगा,
dy by dx के एक बार और डेरिवेटिव लग रहा है, तो हम इसको d2y / dx² से